जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जीडीएस भर्ती 2022 के बारे में, जिसके 38,926 पदों पर नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ था, नोटिफिकेशन आया था और ये फॉर्म भरे जा चुके हैं। रिजल्ट आना क्या शुरू हो चुका है या फिर रिजल्ट कब से आना स्टार्ट होगा, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिजल्ट में आपका नाम आया है, आप शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल साइट पर। यहाँ से देखिए, देख सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2022, इसके बारे में यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। 38,926 पद थे और जिसका जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था आपका 2 मई 2022 को इसका नोटिफिकेशन आया था, और इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी वो 5 जून 2022 थी, जो कि आपकी समाप्त हो चुकी है। आशा है आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। अब आप लोगों के मन में संशय चल रहा होगा कि सर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा या फिर रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ देखिए, जीडीएस मेरिट लिस्ट 2022 रिलीजिंग जो डेट है वो 15 जून 2022 है, यानी कि यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जीडीएस की जो मेरिट लिस्ट है छटनी का काम शुरू हो गया है। 15 जून 2022 से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करना शुरू कर दिया जाएगा। मान लीजिए किस टाइप से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपको एक बार बता दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने आपके किसी डिस्ट्रिक्ट से, किसी पोस्ट ऑफिस से आपने फॉर्म भरा है, अगर मान लीजिए वहाँ की कट ऑफ 90% गई है, जनरल की जो कट ऑफ गई है वो 90% गई है, तो 90% विद्यार्थी, 90% जिसके भी होंगे उस विद्यार्थी को बुलाया जाएगा। किसके लिए? डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसको सूचित किया जाएगा। सूचित किसके माध्यम से किया जाएगा? मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और मोबाइल नंबर के माध्यम से उसको मैसेज के द्वारा सूचित किया जाएगा। आगे हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस टाइप का मैसेज आपको देखने को मिलेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी कारणवश वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो समय समय दी गई होगी कि कितने दिन या 10 दिन या 5 दिन ऐसे दिया जाएगा कि इतने दिनों के अंदर आप आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए, अगर उस समय सीमा के भीतर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं या फिर आप मना कर देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, उस केस में क्या होगा कि उससे कम, मान लीजिए वहाँ पहले गई थी 90%, उसके बाद उस केस में क्या होगा कि 89 देखा जाएगा या 88 देखा जाएगा, जहाँ पर भी कैंडिडेट मिल जाएगा उससे कम परसेंटेज वाला, उस कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इस तरीके से जो पूरी भर्ती होगी, 38,926 पदों पर जो भर्ती होगी वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट पद जो हैं वो भरे जाने वाले हैं। और आपको ये बात बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए कि जो भर्ती प्रक्रिया है ये 15 नवंबर 2022 तक ये कंप्लीट कर ली जाएगी, यानी कि पूरी हर तरीके से ये आपके सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। 15 नवंबर 2022 से पहले पहले रिजल्ट आपको देखने को, कंप्लीट फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में क्लियरली पहले से ही मेंशन है कि 15 नवंबर 2022 तक कंप्लीट जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से मैसेज जो होता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। DOP कॉन्ग्रेचुलेसन योर, यहाँ पर आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा, फॉर बीइंग प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ GDS ABPM और डाक सेवक। अब यहाँ पर देखिए जिस जगह से भरा होगा उसका ब्रांच ऑफिस है ये, वहाँ पर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ इस तरीके से आपको मैसेज देखने को मिलेगा, और जो कि आपको आपके जो आपने मोबाइल नंबर दिया था और जो आपने आपकी मेल आईडी दी थी उसके माध्यम से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से एक बार कहना चाहूँगा कि रेगुलर बेस पे आप लोग इसको अपनी ईमेल आईडी और अपने मैसेजेस रेगुलर बेस पर चेक करते रहें, क्योंकि 15 तारीख के बाद किसी भी दिन आपके पास मैसेज आ सकता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर DV। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अपने ईमेल एड्रेस, ईमेल जो आपने दिया था वो, और आप अपना मैसेज ये रेगुलर बेस पर चेक करते रहिए, किसी भी दिन आपके पास मैसेज आ सकता है। आप लोग एक काम करिएगा, आज आप लोग अब कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपने फॉर्म कहाँ से भरा है, आपके 10th में कितने परसेंटेज हैं और आपकी कैटेगरी क्या है। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बच रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।